नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटिया। आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के सरकार में मची खलबली की। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। इमरान खान की कुर्सी इसी महीने जाती दिख रही है। इमरान की विदाई की तारीख पाकिस्तान की सेना ने तय भी कर दी है। यही वजह है कि उनकी सरकार के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, संयुक्त विपक्ष इमरान को सत्ता से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। शुक्रवार को नेशनल असेंबली की बैठक होगी और इसी दिन प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। इस बीच ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा के नेतृत्व में सैन्य अधिकारी ने कथित तौर पर OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के बाद इमरान खान से इस्तीफा देने को कहा है। OIC की ये मीटिंग 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान में एक बार फिर होने वाली है। सेना की तरफ से ये बात कहने वालों में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा भी शामिल हैं। उधर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान को PM पद से उतारने का फैसला बाजवा और सैन्य तीन लेफ्टिनेंट जनरलों ने ही किया है। इनकी बैठक से पहले बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम PM इमरान खान से भी मिले थे। जानकारी के मुताबिक सेना के चारों शीर्ष अधिकारी अब इमरान को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। पाकिस्तान मीडिया की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान को सत्ता से बेदखल करने के लिए बाजवा और तीन अन्य वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरलों ने एक बैठक की थी। बैठक का आयोजन बाजवा और ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम के इमरान खान से मुलाकात करने के बाद की गई, जिसमें इमरान को किसी भी तरह से रियायत नहीं देने का फैसला लिया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि खुद को इस संकट से बचाने के लिए इमरान खान देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इमरान खान से सेना इतनी खफा क्यों है। दरअसल पाकिस्तान की सेना इमरान खान से कई वजहों से खफा बताई जा रही है। पहली ये कि बाजवा ने इमरान को हिदायत दी थी कि वो विपक्ष नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। बावजूद इसके JUIF के नेता लगातार उन्हें डीजल कहकर चढ़ाते रहे। इसके साथ पाकिस्तानी सेना इस बात से भी खफा बताई जा रही है कि इमरान ने यूक्रेन संकट की वजह से अमेरिका और यूरोपीय संघ को घेरा है। अब सरकार बचाने के लिए इमरान खान को कितने जादुई आंकड़े चाहिए, इसका गणित भी समझ लीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब 100 सांसदों ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव दिया था। इसमें आरोप लगाए गए थे कि इमरान नीत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी PTI सरकार देश में आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान को हटाने के लिए विपक्ष को 342 सदस्य नेशनल असेंबली में 172 वोटों की जरूरत है। इमरान की पार्टी के सदन में 155 सदस्य हैं और सरकार में बने रहने के लिए उन्हें कम से कम 172 सांसदों की जरूरत है। उनकी पार्टी बहुमत के लिए कम से कम 6 राजनीतिक दलों के 23 सदस्यों का समर्थन ले रही है। इमरान खान ने किसी तरह गठजोड़ कर सरकार बनाई है। हालांकि अब विपक्ष इमरान पर भारी पड़ता दिख रहा है। विपक्ष के संयुक्त होने के बाद उनके पास 163 सीटें हो गई हैं। तो कुल मिलाकर अब पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान और खुद इमरान खान पर टिकी हैं कि वो इस शक्ति प्रदर्शन में कैसे पास हो पाएंगे।